हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो आज ना मैं यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ दावत की। एक्चुअली मैं ना दावत मेरे घर में नहीं है, मैंने अपने इन लॉज की तरफ जाना है। लेकिन ना यहाँ पर हम लोग जब भी दावत करते हैं ना, तो किसी एक पर पूरा बर्डन नहीं होता, सब ही कुछ ना कुछ बनाकर लेकर आते हैं। तो इस तरह से हम लोग गेट टुगेदर करते हैं, पार्टीज करते हैं, जब डिनर्स भी हम करते लोग हैं। यहाँ पर डिनर प्लान करते हैं तो सब पहले ना कुछ डिसाइड कर लेते हैं कि कौन क्या क्या बनाकर लेकर आएगा। मैंने भी रात को खीर बना ली थी। एक्चुअली मैं दो दो डिशेस बना कर लेके जा रही हूँ, एक डिज़र्ट की और एक साथ में राइस की। तो रात को खीर बना के रखी। पहले मैं सोच रही थी कि वीडियो बना लेती हूँ उसकी भी, लेकिन रात को मैं काफ़ी थक गई थी क्योंकि मैंने ग्रॉसरी करने भी जाना था। यहाँ पर यूएस में जब भी हॉलीडे स्टार्ट होते हैं ना, तो जैसे थैंक्सगिविंग आता है और ब्लैक फ्राइडे होता है, और उसके बाद जब क्रिसमस के डेज आते हैं, तो यहाँ पर इतनी ट्रैफिक और इतना रश होना शुरू हो जाता है, ग्रॉसरी स्टोर्स में भी, बाय रोड्स पे भी, कि आपको जहाँ पर आपने 1 घंटा लगाना है आपको 2 घंटे लग जाते हैं। तो मैं अभी काफ़ी लेट घर आई, और आकर बस मैंने जल्दी से खीर बनाकर ना तो फ्रिज में रख दी थी। दूसरी डिश मेरी है बारबेक्यू राइस, चिकन बारबेक्यू राइस मैं बनाऊंगी। अक्सर मैंने आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर की हुई है पिछले वीडियोस में, तो आज फिर मैं आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, और आप ज़रूर ट्राई करना। ये इतने अच्छे बनते हैं ना, मुझे बहुत मज़े के राइस लगते हैं। इसके लिए मैंने चिकन ब्रेस्ट और चिकन थाई दोनों लिए थे, और दोनों को मैंने मिक्स कर लिया था। सबसे पहले चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। उसके लिए मैंने इसमें 1/2 कप योगर्ट डाला है, साथ में मैंने 2 टेबल स्पून सोया सॉस ऐड किया था, 1/2 लेमन स्क्वीज किया है, और साथ में मैंने जिंजर गार्लिक को चॉप करके इसमें डाल दिया है 2 टेबल स्पून के करीब, और साथ में मैंने चिकन टिक्का ऐड किया है। वैसे तो इसमें चिकन तंदूरी डालना है, लेकिन मेरे पास चिकन तंदूरी नहीं था, मैं भूल गई थी लाना, तो चिकन टिक्का पड़ा हुआ था, उसके मैंने 2-3 स्पून में भर के मसाले के वो डाल दिए हैं। स्मोक पेपरिका मैंने यूज़ किया था, स्मोक पेपरिका से भी बहुत अच्छा चिकन तंदूरी का टेस्ट आ जाता है, आप इसमें वो ऐड कर लें। और साथ में मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया है, ब्लैक पेपर ऐड कर दिया था। तो बस ये सारी चीज़ें डाल के तो उसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है पहले। और मैं कलर डालना भूल गई थी, तो इसमें मैं थोड़ा सा कलर भी ऐड करूँगी, फूड कलर, क्योंकि इसके साथ ना बहुत अच्छा कलर आएगा। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद 15 से 20 मिनट के लिए मैं इसको मैरिनेट करूँगी, क्योंकि मैंने जाना है और मेरे पास थोड़ा टाइम कम है, तो इसलिए सिर्फ मैं 15 से 20 मिनट के लिए ही मैरिनेट करूंगी। आप चाहें तो इसको ओवरनाइट के लिए भी मैरिनेट कर सकते हैं। बारबेक्यू राइस बनाने का प्रोसेस बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन ये राइस बहुत मज़े के बनते हैं। तो नेक्स्ट हमने स्टेप ये है कि हमने सारी वेजिटेबल्स को ना फ्राई करना है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ऑयल लिया है, कढ़ाई ले ली थी, उसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, चॉप्ड मैंने गार्लिक इसमें डाल दिया था, और इसको बस लाइट सा फ्राई कर लेंगे। जब भी आप बारबेक्यू राइस बनाएं, तो एक काम ज़रूर करें कि हर चीज़ को पहले से कट करके प्रिपेयर करके तो रख लें, क्योंकि इसके स्टेप बहुत ज़्यादा है, हम अक्सर इसमें ना भूल जाते हैं चीज़ें डालना। मैंने वेजिटेबल्स पहले से कट करके रख ली हुई थी, तो सबसे पहले मैं कैबेज को यहाँ पर फ्राई करूँगी, और सारी वेजेस को हमने सिर्फ लाइट से सॉटे करना है, ज़्यादा उसको ओवर कुक नहीं करना, थोड़ी क्रिस्पी ही इसमें अच्छी लगेंगी वेजेस। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने कैबेज को थोड़ा सा लाइट सा फ्राई कर लिया था, और उसमें मैंने बाकी कैप्सिकम्स डाल दिए थे। आपके पास कोई भी कलर का कैप्सिकम है ना, आप यूज़ कर लें, बेल पेपर्स में, और श्रेडेड कैरेट्स उसमें मैंने साथ ही ऐड कर दी थी। बस इनको सबको सॉटे कर लेंगे। इस रेसिपी के बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि सब बाकी क्या क्या बना कर लेकर आए हैं। तो पूरी डिनर की जो हमारी दावत के अब लोग हैं, वो मैं आपके साथ पूरा एंड तक शेयर करूँगी। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें व्हाइट विनेगर का ऐड कर दिया था, 2 टेबल स्पून मैंने इसमें सोया सॉस डाल दिया है, सॉल्ट ऐड कर दिया है, और साथ में थोड़ा सा ब्लैक पेपर डाला है, और क्रश्ड रेड चिली इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। बस ये चीज़ें इसमें जाएंगी, और बस हमने इसको मिक्स कर लेना है, और इसको बस हमने स्टोव से हटा के साइड पर रख देना है, क्योंकि ये वेजेस हमारी बिल्कुल रेडी है। एंड पर हम इस पे ग्रीन ऑनियन डालेंगे। जब वेजेस अच्छे से सॉटे हो जाएंगी, तो फिर हम इस पे ग्रीन ऑनियन ऐड करेंगे। तो बस ये इसको डाल के इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेना है, और फिर वेजेस को हम साइड पे रख देंगे। वाइट राइस मैंने साथ में बॉयल कर लिए थे, सिंपल वाइट राइस जैसा हम रेगुलर बॉयल करते हैं, वैसे इनको बॉयल कर लेना है, और वेजेस के साथ ही मैंने राइस भी रख दिए थे बॉयल होने के लिए। और अब यहाँ पर मैरिनेटेड चिकन को कर लेंगे फ्राई। एक बार प्याज ले लिया था, उसको मैंने जूलन स्टाइल में कट कर लिया है, उसको मैं पहले राइट साइड फ्राई कर लूंगी। थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो गया था, तो इसमें मैंने सारा मैरिनेटेड चिकन ऐड कर दिया था। तो बस इसको हमने सारा चिकन को फ्राई कर लेना है, और 15 से 20 मिनट इसको लगते हैं कुक होने में, लेकिन जब ये कुक हो जाएगा, तो इसमें जितना भी साथ में थोड़ी सी ग्रेवी भी बनेगी, तो हमने वो ग्रेवी रहने देनी है, इसको बिल्कुल फुली हमने ड्राई नहीं करना। अब चिकन को बारबेक्यू टेस्ट देने के लिए ये करना है कि कोयला ले लें और इसको इस तरह से बर्न कर लें, और कोई भी एल्युमिनियम शीट ले लें या कप के क्लाइनर ले लें, तो उसको चिकन के अंदर इस तरह से रख के, तो उसके ऊपर कोयला रख दें,
थोड़ा सा ऑयल ड्रिप करें उसके ऊपर और उसको कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए रख दें, तो इसके ऊपर अच्छा सा बारबेक्यू का टेस्ट आ जाएगा। सॉस रेडी कर लेंगे, ये सॉस एंड पर इसके ऊपर डलेगी राइस के ऊपर जब हम पूरे राइस की डिश रेडी कर लेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून मायनीज लिया है, 1 टेबल स्पून ही मैं इसमें केचप का ऐड कर रही हूँ, सिंपल केचप ली है वो मैं डाल दूँगी इसमें। चिली सॉस ऐड कर रही हूँ, जितना आपको स्पाइसी अच्छा लगता है उसमें आप उतनी चिली सॉस ऐड कर लें। थोड़ा सा सोया सॉस जाएगा इसमें, मैंने 1.5 टेबल स्पून ऐड किया है, और सावर क्रीम ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, तो इसमें मैं सावर क्रीम भी ऐड कर रही हूँ। ऑलमोस्ट 1 टेबल स्पून मैंने सावर क्रीम का ऐड किया है। थोड़ा सा इसमें आपने सॉल्ट और ब्लैक पेपर भी ऐड करना है, ये भी ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और इसको हमने साइड पर रख देना है। सबसे लास्ट में मैं यहाँ पर बना रही हूँ राइस के लिए तड़का। तड़के के लिए मैंने यहाँ पर ऑयल लिया है, ज़्यादा ऑयल ले लिया था, उसमें मैंने लहसुन को पहले फ्राई कर लिया था, उसमें फिर मैंने क्रश वेज चिली डाल दी थी, उसको भी हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो ये तड़का बिल्कुल रेडी हो गया है, और अगर आप तड़का नहीं डालेंगे ना तो बिल्कुल भी आपको बारबेक्यू राइस ना उसका अच्छा फ्लेवर नहीं लगेगा, ये ज़रूर आप इसको ऐड करना। ये डिश थी और मेरे पास काफ़ी बड़े साइज़ की है, तो उसमें मैंने सबसे पहले राइस की लेयर लगा दी है। मैंने काफ़ी ज़्यादा बना लिए थे क्योंकि हमारी माशाल्लाह से फैमिली काफ़ी बड़ी है, तो इसलिए, और साथ में ये मैंने सबसे पहले इस पे राइस के ऊपर तड़का डाला है, जो तड़का मैंने फ्राई किया था अभी, और उसके ऊपर हम डाल देंगे ये सारी वेजेस। लास्ट में हम इसके ऊपर चिकन की सारी लेयर लगाएंगे। इसके ऊपर मैंने ग्रीन ऑनियन को गार्निश कर दिया था, और जो सॉस रेडी की थी वो भी इसके ऊपर ड्रिजल करनी थी, लेकिन वो मैं अभी नहीं कर रही हूँ, तो इसको ना मैं यहाँ पर बस अभी रख रही हूँ, इसको कवर करके रख दूँगी, और सॉस मैं इसके ऊपर तब डालूँगी जब मैं अपने इन-लॉज की तरफ जाऊँगी, क्योंकि वहाँ पर जाके मुझे दोबारा से इसको अभी वार्म करना था राइस को, तो सॉस मैंने सोचा था एंड पर ही डालूँगी जब ये अच्छे से वार्म हो जाएंगे। अभी मैं आ गई थी ऊपर बच्चों को रेडी करने के लिए और ख़ुद भी रेडी होने के लिए, और ये मैंने दुआ के लिए आउटफिट निकाला था, अभी मुझे दोनों को शावर देना था, मैंने खुद शावर तो सुबह उठते ही ले लिया था, तो इसलिए मैं मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा था रेडी होते हुए, और बस बच्चों का था कि उनको शावर दे के तो उनको पहले रेडी कर दूँ। और ये ग्रीन कलर का आउटफिट मेरा है और ये मैं आज वेयर करूँगी, और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये, क्योंकि मुझे डार्क कलर्स जो है ना वो बहुत अच्छे लगते हैं, तो इसका फैब्रिक पता नहीं कौन सा है, मुझे बिल्कुल नहीं इसका फैब्रिक का आइडिया है, लेकिन अगर आपको समझ आ रहा हो कौन सा फैब्रिक है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना ये कौन सा फैब्रिक है, पर अच्छा है, बहुत सॉफ्ट है और पहना हुआ भी अच्छा लगता है, लेकिन ये थोड़ा सा मुझे लूज़ था, लेकिन मैंने कहा चलो लूज़ ही ठीक है, अगर मैं इसको टाइट करूँगी तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो बस मैंने अपना मेकअप किया, लाइट सा मैंने मेकअप किया था। ब्लश ऑन मेरा बहुत फेवरेट है पूरे मेकअप में, आपके मेकअप में सबसे ज़्यादा आपका फेवरेट क्या चीज़ है ज़रूर बताना मुझे ये भी, और बस मैंने अपनी लिपस्टिक लगाई, मुझे लग रहा था थोड़ी डार्क हो गई तो मैंने इसको लाइट किया, और मैं हो गई थी रेडी। ये ग्रीन कलर की मेरे पास इयररिंग्स पड़े हुए थे, वो बहुत मैच कर रहे थे इसके साथ, ये मैंने फर्स्ट टाइम पहने थे इयररिंग्स जब से मैं पाकिस्तान से लेकर आई हूँ, तो अच्छे लग रहे थे तो मैंने साथ में ये वेयर कर लिए। और ये हम लोग अभी निकल रहे थे और काफी लेट हो गए थे हम लोग, बस यहाँ पर मैं अपनी लॉज की तरफ आई हूँ, यही मजेदार सा चिकन यहाँ पर कुक हो रहा था, सभी आ चुके हुए थे, सभी डिशेस लेकर आए हुए थे, और साथ में ये लज़ानिया था जिसको पहले से किसी ने आधा खा लिया हुआ था, बच्चों को बहुत भूख लगी हुई थी तो ये साथ में था, और ये बच्चों के लिए यहाँ पर ये चिकन लेग पीस पे किए थे, ये विदाउट स्पाइसेस थे, और जो पहले जो आपको मैंने दिखाया था चिकन वो थोड़ा स्पाइसी वाला था, तो बच्चों के लिए भी हमें डिशेस बनानी पड़ी, क्योंकि बच्चे बिल्कुल भी स्पाइसी फूड नहीं खाते हैं,
और ये चिकन बिल्कुल स्पाइसलेस था और थोड़ा सा सॉल्ट एंड पेपर लगा के उसको बनाया हुआ था। मैं राइस के ऊपर यहाँ पे सॉस ड्रिजल कर रही हूँ जो मैंने आपके साथ पहले इसकी शेयर की थी। तो राइस को मैंने आते यहाँ पर पहले वार्म किया था अच्छे से, उसके ऊपर फिर मैंने सारी सॉस जो थी ना ड्रिजल कर दी थी। और ये था आज का हमारा सारा डिनर, जिसमें चिकन था और बच्चों के लिए चिकन अलग से था, ये बड़ों के लिए था सारा। साथ में ये मैक्रोनी सैलेड थी, चने थे, बारबेक्यू राइस थे और इसके साथ लज़ानिया था। तो ये हम लोग का आज का फुल दावत डिनर था। यहाँ पे हम लोग हर चीज़ डिस्पोजेबल यूज़ करते हैं और डिशेस भी हम लोग सारी एल्युमिनियम की ही यूज़ करते हैं, ताकि खाने के बाद हम लोग साथ ही सब कुछ फ्रेश करते जाएं और ज़्यादा गंदा पड़े और किचन भी साथ साथ क्लीन होता जाए। क्योंकि यहाँ पर मेड्स नहीं होती हैं और सारा काम हमें खुद करना होता है, तो इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं जितने कम बर्तन होंगे, जितना ज़्यादा हम लोग डिस्पोजेबल यूज़ करेंगे, हमारा टाइम भी इससे सेव होता है और इससे अलावा हमारा किचन भी क्लीन रहता है और काम भी कम हो जाता है। मैंने भी यहाँ पर अपने लिए अपनी प्लेट रेडी कर ली थी, चिकन डाला और साथ में ये मैंने सैलेड ली, तो उसे चने डाले थे और चिकन इतना मज़े का बना हुआ था, बल्कि सारी चीज़ें ही बहुत अच्छी बनी हुई थी। खाना खाने के बाद डिज़र्ट था, जिसमें मैंने खीर बना के लेकर आई थी और साथ में कस्टर्ड था, और कस्टर्ड तो बच्चों का बहुत फेवरेट होता है, तो बच्चों ने कस्टर्ड खाया था और बाकी सब ने ना खीर ली और खीर बहुत अच्छी बनी। मेरी फैमिली में यहाँ पर सभी खीर बहुत शौक से खाते हैं, तो मैं इसलिए वो चीज़ बना कर लेकर आती हूँ जो कि सबके फेवरेट भी हो और खाई भी जाए, वो वेस्ट ना हो। तो यहाँ पर बैठ के मैंने अपनी खीर को इन्जॉय किया, बहुत मज़े की बनी हुई थी और बच्चे यहाँ पर प्ले कर रहे थे। माशाल्लाह से हमारे यहाँ पर ना बच्चों की जब गैदरिंग होती है ना, तो इतने बच्चे हो जाते हैं और सब इतना प्ले करते हैं, इतना शोर करते हैं और काफ़ी ज़्यादा ना अच्छा टाइम स्पेंड होता है। उसके बाद बच्चों ने योगा भी किया था यहाँ पर, फिर हम लोगों ने चाय ली। चाय मस्त है, सब खाने के बाद चाय ज़रूर लेते हैं। बस हम लोग यहाँ पे इसी तरह से गेट टुगेदर करते हैं, अपना टाइम स्पेंड करते हैं, अपनी वेकेशंस को एंजॉय करते हैं और जब ईद आती है या इफ्तार पार्टीज आती हैं, तभी हम लोग इसी तरह से सब गेट टुगेदर करते हैं। एंड आई होप आप लोगों को मेरा आज का ये दावत ब्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।